हेलो क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मगान ऊनवाला इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम ऊनवालास इंग्लिश ग्रामर स्कूल. वेलकम इन यूनिट 1, दैट इज टॉम एंड द लेप्रेकॉन. इस कहानी में वी विल डिस्कस अबाउट the two characters, that is Tom and the Leprechaun. Tom is a normal boy and Leprechaun is a magician. इनके पास एक ऐसा magic होता है जो हमारी wishes को पूरा करता है. जो भी हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, वो हमें दे देता है. टॉम रियली वॉन्टेड टू फाइंड अ लेप्रिकॉन. टॉम जो है चाहता था एक लेप्रिकॉन को ढूंढना. हिज ग्रैंड डैड टोल्ड हिम इफ ही फाउंड अ लेप्रिकॉन ही वुड बी रिच. ग्रैंड डैड ने कहा टॉम के कि मेरे बेटे, अगर आपने लेप्रिकॉन ढूंढ लिया तो आप अमीर हो जाओगे. Granddad said the leprechaun was at the end of the rainbow. Granddad ne kaha leprechaun aapko milega rainbow ke aakhir mein. And hope so you all know that what is rainbow. Rainbow kya hota hai? Rainbow jab barish hoti hai ya phir barish khatam hone ke baad. During rain or after rain, jo 7 colors ke कलर शेड हमें दिखते हैं उसे हम रेनबो कहते हैं. तो उस रेनबो के एंड पे आपको लेप्रिकॉन मिलेगा. ही सेड द लेप्रिकॉन हैड अ पॉट ऑफ गोल्ड. उन्होंने कहा लेप्रिकॉन के पास एक पॉट यानी मिट्टी का बर्तन होगा जो किससे भरा हुआ होगा? गोल्ड से, सोने से. सो ग्रैंडडैड आल्सो सेड द लेप्रिकॉन वॉज वेरी क्लेवर. ग्रैंडडैड ने टॉम को ये भी बोला कि मेरे टॉम, लेप्रिकॉन जो है बहुत क्लेवर होता है, बहुत अकलमंद होता है. वन डे टॉम सॉ अ रेनबो. एक दिन टॉम ने रेनबो देखा. ही फॉलोड द रेनबो ऑल द वे टू द एंड. उसने फॉलो किया और एंड तक रेनबो की गया. ही केम टू अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज. वो एक जगह पे पहुंचा जो भरी हुई थी पूरी दरख्तों से. टॉम हर्ड अ स्मॉल टैपिंग नॉइस. टॉम ने एक आवाज़ सुनी ठप ठप करने की. क्या आवाज़ थी वो? टिक टैक टो, टिक टैक टिक टैक टो. ही सॉ अ लेप्रिकॉन मेंडिंग शूज. उसने देखा कि वहाँ पे एक लेप्रिकॉन शूज बना रहा है. मेंडिंग शूज का मतलब शूज बना रहा है. ही लिफ्टेड द लिटिल मैन अप इन हिज हैंड. उसने लेप्रिकॉन एक छोटा सा आदमी होता है, उसने अपने हाथ में यानी टॉम ने अपने हाथ में लेप्रिकॉन को उठा लिया. गुड मॉर्निंग लेप्रिकॉन सेड टॉम. सेड ने कहा गुड मॉर्निंग लेप्रिकॉन. आई हैव फाउंड यू. आई वॉन्ट टू बी रिच. लेप्रिकॉन मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे अमीर होना है. लेप्रिकॉन प्लीज़ गिव मी योर पॉट ऑफ गोल्ड. प्लीज़ मुझे अपना वो पॉट, अपना मिट्टी का बर्तन दे दो जो सोने से भरा हुआ है. द लेप्रिकॉन वॉक्ड विद टॉम टू अ ट्री इन द मिडल ऑफ दैट प्लेस. लेप्रिकॉन चल कर गया टॉम के साथ उन दरख्त, एक दरख्त के पास जो उस जगह के बिल्कुल बीच में था. द गोल्ड इज अंडर दिस ट्री.
ही सैड, उसने कहा सोना इस दरख्त के नीचे है, यू हैव टू डिग इट अप एंड इट विल बी योर्स, आपको इस दरख्त के नीचे खोदना पड़ेगा और सोना आपका हो जाएगा। टॉम न्यू ही हैड टू गो होम टू गेट अ स्पेड, टॉम को पता था कि अब उसे घर जाना पड़ेगा स्पेड लेने, बेलचा लेने। आपने देखा होगा स्पेड एक स्पून की तरीके से होता है, बड़ा सा स्पून की तरीके से होता है, जिससे जो लेबर होती है वो मिट्टी या जो क्रश होता है वो उठाती है भरती है। ही हैड अ येलो रिबन इन हिज पॉकेट, टॉम की पॉकेट में एक येलो रिबन था, उसने जल्दी से दरख्त पे बांध दिया। ही टाइड द रिबन अराउंड द ट्री, दरख्त पे बांध दिया। टॉम न्यू द लैप्रिकॉन वाज क्लेवर, टॉम को पता था कि लैप्रिकॉन जो है बहुत अकलमंद है। उसने लैप्रिकॉन को कहा देयर आर मैनी ट्रीज हियर, सेड टॉम, टॉम ने कहा देखो यहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, प्रॉमिस मी यू विल नॉट टेक माय रिबन ऑफ द ट्री, सेड टॉम, टॉम ने कहा वादा करो कि तुम मेरी इस रिबन को हटाओगे नहीं दरख्त पे से, क्योंकि ये मैंने निशानी रखी हुई है कि इस दरख्त के अंदर, इस दरख्त के नीचे गोल्ड है। I promise I will not touch your ribbon, said the leprechaun. Leprechaun ने कहा ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं आपकी रिबिन को नहीं छेड़ूंगा। Tom went home. When he came back with his spade, each tree in the wood had a yellow ribbon around it, just like his one. Poor Tom. Ha 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 ha. जैसे ही टॉम अपने घर से बेलचा स्पेड लेके आया, हर दरख्त पर वैसी ही येलो रिबन बंधी हुई थी जैसी येलो रिबन टॉम बांध के गया था। देखा लैप्रिकॉन ने कैसी ट्रिक खेली टॉम के साथ, उसने प्रॉमिस किया था कि उसकी रिबन को नहीं छेड़ेगा, लेकिन उसने ये प्रॉमिस थोड़ी किया था कि मैं बाकी ट्रीज पर रिबन नहीं बांधूंगा। बेचारा टॉम, पुअर टॉम, हा हा हा। ओके क्लास 3, होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी गिवन डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड सेंटेंसेस, सो यू हैव टू राइट इट इन योर इंग्लिश कॉपी in fair handwriting. Okay class, till then, bye bye.